राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है, आज वो सदन पहुंचे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। और इस फैसले के बाद पूरे देश की जनता का न्यायपालिका पर और डेमोक्रेसी पर भरोसा बढ़ा है और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद विधायक हैं, उनकी भी सदस्यता जाए। ये तो केवल विपक्ष के लोगों की सदस्यता जा रही है और इससे तो पोल खुल गई भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी कितना साजिश करती है, कितना षड्यंत्र करती है किसी की सदस्यता छीनने के लिए। और आपने हमने देखा है आदरणीय आजम खान साहब, उनके बेटे की और तमाम लोगों की सदस्यता किसने छीनी, साजिश करके छीनी गई है। और हमें भरोसा है कि न्यायपालिका से उन्हें भी न्याय मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने सर आप पर कमेंट किया है और कहा है उन्होंने कि देखिए ये कोई इस प्रदेश और देश का आवाम जानता है कि समाजवादी पार्टी क्या काम कर रही है। और इस प्रदेश ने ही प्रधानमंत्री दिए हैं, यही प्रदेश ने बीजेपी की सरकार बनाई है। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, क्या महिलाएं हमारे देश की इस तरह घुमाई जाएंगी? क्या हमारे उत्तर प्रदेश का बुलडोजर का नेशनल परमिट कैंसिल हो गया क्या? तो केवल निंदा प्रस्ताव पास होता, इसी की मांग विपक्ष कर रहा था। और आज भी वहां पर कोई चीज रुकी नहीं है। आग लगना, लोगों की जान लेना, लोगों को बाहर निकाल देना, खासकर महिलाओं को अपमानित करना, उनके साथ घटना होना, ये लगातार हो रहा है। और फिर ये जिम्मेदारी डबल इंजन सरकार की है। क्या डबल इंजन की सरकार की ये जिम्मेदारी है कि आप इस तरह की घटना होने देंगे? और फिर उत्तर प्रदेश की सरकार तो लगातार बुलडोजर चलाती है, ये बुलडोजर मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है?